ओ शांति, आज 11 अगस्त 2021, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है। बाप क्या है? मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो। तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे, जैसे बाबा मीठा है, बाबा जैसे सबको प्यारा लगता है, ऐसे आप भी सबको प्यारे लगेंगे। प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बिदर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के, वहां किसी की सलाह लेने की हमें जरूरत ही ना पड़े। तुम यहां आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने, भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो, जो खुद फैसला ना कर सकते हो, तो वो तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। गीत चला, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओ शांति, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे, किसने कहा, किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से बाप को समझा रहे, बहुत ही प्यार से क्या कर रहे हैं, बाप से, प्यार से बाप समझा रहे। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला, वह सर्व को दुखों से मुक्त करने वाला, और सर्व को दुख से मुक्त करने वाला, लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है, दुनिया भर में और कोई नहीं। इसलिए दुख में किसको याद करते हैं? बाप
को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। बाबा हमको क्या कर रहे हैं? सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं, अभी समझते हैं, सन्मुख सुनने और दूर से सुनने में क्या है अंतर है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है, मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र रख दिया, फर्क है ना। परंतु कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण तो है ही नहीं, यहां तो निराकार बाप, यहां तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी क्या करना है? आत्मा निश्चय करना है। सारे मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है, ये आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा, ये आत्मा क्या करना है? निश्चय करना है, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है, बाबा सारे कल्प में एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहाना संगम युग है, इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकार दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझते ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं, यहां हम सब आत्माएं क्या हैं? एक्टर हैं, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने
आते, फिर नंबर वार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते, सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है पार्ट बजाने, यहाँ आती है पार्ट बजाने, बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। तुम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता, जितना मजा मधुबन में जाकर बाबा से सन्मुख सुनने में आता है। तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान है, देवी देवताओं की नगरी है। अभी नहीं है, सतयुग में यहाँ पर देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। चित्र दिखाते हो तो जरूर, तो थे जरूर, देवी देवताओं के चित्र दिखाते हो तो इसका मतलब थे तो जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे, अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया है, ये है ड्रामा, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वे गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग आदि में तुम ही आए थे, सतयुग आदि में तुम ही आए थे क्या करने, पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। आप तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वे तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय लें, अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वे सतयुग में भी कायम, सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टाकी बने हो, टाकी होने बिगर कर्म हो ना सके, ये बड़ी समझने की बातें हैं। टाकी नहीं होंगे, जब तक टाकी नहीं बनेंगे तब तक कर्म हो ना सके, ये बड़ी समझने की बातें हैं। क्योंकि शरीर में आएंगे तो टाकी बनेंगे, शरीर होगा तो कर्म करेंगे, सूक्ष्म शरीर से तो कर्म हो नहीं सकता, सूक्ष्म शरीर से तो केवल संकल्प हो सकते हैं, संकल्प की दुनिया देख सकते, सूक्ष्म वर्तन में केवल संकल्प की दुनिया है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है,
जितना आपने लिया उतना ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेती है, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा कहती है एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, हालांकि पतित तो पहले भी हो गए, 50% तक तो पतित त्रेता के अंत तक हो गए ना, पतित तो हुए परंतु पतित नाम द्वापर से ही लगाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। यहाँ क्या देखते हैं, सब आत्माएं हैं, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। जिनको बाप पढ़ाते हैं वर्षा देते हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि ये लाडले मीठे सिक्की लदे, बच्चों तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो, अपना वर्षा लेने, ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है, तुम एक्टर्स पार्ट बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा में 5000 साल का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, घिस नहीं सकता, मिट नहीं सकता, तेज नहीं हो सकता, स्लो नहीं हो सकता। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखदाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है, सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में
आते हैं। नई दुनिया थी वे फिर पुरानी बनी है, नई दुनिया में देवताएं थे वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथा दुख है, बाप आकर, बाप क्या करते हैं, आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिब्रेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे। आत्मा निश्चय कर बाप की श्रीमत पर चले, कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है, बाप को याद करना है। ये माया का वंदर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, ऐसे नहीं है। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे, नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप की श्रीमत पर चलना है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है, अलफ माना अल्लाह, एक ही मैं सैक्रीन हूं। शिव बाबा कहते एक ही मैं सैक्रीन हूं, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, अर्थात उसमें सुधार करते रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो, सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है, हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सत्य किसी के आदि से लेकर अंत तक
हमारा सबसे जास्ती पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बात कहते हैं देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुक तू कर, अपना सब हिसाब किताब क्या करके जाएंगे? चुक तू करके जाएंगे। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सब को वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सब को ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग को, योग की अग्नि है ये। अग्नि का मतलब क्यों कहा? जैसे किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो कहते हैं कि इसको तो उसकी आग लगी हुई है। आग की लपटें रिपीट होती रहती हैं, ऐसे बार बार, क्योंकि आग जलती रहेगी तो अग्नि होगी ना। आग जले और बुझ जाए तो गर्म तो नहीं करेगी, है नहीं? तो जितनी देर ज्यादा आग जलेगी उतनी जल्दी से ईंट पकेगी, है नहीं? उसमें सुधार आएगा, कोई भी चीज बनेगी। इसलिए योग भी लगातार बार बार अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए समझाते रहेंगे तो उसे कहा जाता है योग अग्नि। बाकी कोई आग नहीं है, ठीक है ना? आग जले और बुझ जाए तो कुछ नहीं होगा, योग लगाए और खत्म तो चेंज नहीं होगा। बार बार लगातार समझाते रहेंगे तो एक दिन समझ जाएंगे। ये उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया है। क्या बनाया नाटक में? सीता आग से पार हुई। सीता माना भक्तियां, सीता माना आत्माएं, ठीक है? हम आत्मा, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वास्तव में कोई आग से निकलने की बात नहीं है। हम आत्माएं कोई आग से निकलेंगी नहीं। आग से कोई एक को थोड़े पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण राज्य में हो, अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है, याद अग्नि से। क्योंकि बार बार एकदम कहने से बुराइयां निकल नहीं जाएंगी। उन दाग को मिटाने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए लगातार अपने आप को समझाते रहना होगा। इस समझाते रहने को, लगातार समझाते रहने को योग अग्नि कहा जाता है। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुए। कहां योग अग्नि और कहां वो आग? आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है, आत्माएं सब सीताएं हैं। आत्माएं सब क्या हैं? सीताएं हैं। और इस समय रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। कहां है? शोक वाटिका में है।
यहाँ का सुख तो काक विस्ता मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथा है, तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए, देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं, फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। प्रश्न उठा तो जो बाबा ने करने के लिए कहा वो करेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। ये है पतित दुनिया, वे है पावन दुनिया, मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे, अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वो है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ये तो बाप टीचर गुरु है, जो सबको सदगति देते हैं। वे तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे, अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक, रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में सदगति। बाप सबको पावन बना कर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। नंबर वार उतरते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है, तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। लाइट हाउस याद आता है क्या कहते हैं? कहाँ होता है लाइट हाउस? समुद्र के किनारे होता है। लाइट कहाँ होती है? वो लाइट तो होती है समुद्र के किनारे, लाइट कहाँ होती है? पानी के अंदर। किसको रास्ता दिखाएगी पानी में? पानी में होगी तो कैसे रास्ता दिखाएगी? टावर होता है, बहुत ऊंचा टावर, बहुत ऊंचा टावर बनाते हैं, उस पर लाइट वो बहुत तेज जलती है तो दूर से उन्हें दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है, जैसे ये रिंग देख रहे हो, ठीक नहीं? अब जहाज यहाँ है, ठीक नहीं? और उसे कहाँ पता लगेगा कि कहाँ तक मुझे जाना है? चारों तरफ पानी ही पानी। तो यहाँ पर जैसे जहाज यहाँ है, अब यहाँ का टावर ऊंचा होगा तब दिखाई देगा ना, जहाज घूमते, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो गोल है तो गोल होने पर तो नीचे हो जाएगी। यहां से हम जब ऊपर टावर खड़ा करेंगे तो टावर पर बड़ी तेज लाइट जलाई जाती है, तो उससे दूर से पता लग जाता है कि वहां से लाइट आ रही है, तो वहां हमको जाना। तो बहुत समय पहले भी इतने बड़े टावर नहीं बना पाते थे, तो भी लंबी बांस पर लाइट टांग देते थे ताकि दूर से उसको पता लग जाए।
ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है, ये कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है, तुम सब सेना हो। क्या बना दिया आज? तुम पायलट हो, रास्ते को देखने वाले, दिखाने वाले, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वे उतरती जाएगी। भगवानोवाच मन मना भव, शिव भगवानोवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे, देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। एक बात से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। आप सबको सम्मान देंगे तो सब आपको भविष्य में सम्मान देंगे। वरदान है, कैसे मिलेगा ये वरदान? चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो। और आपने किसी की बात को नहीं भी मानना है, पहले उसकी बात को रिगार्ड दो। स्वमान दे फिर शिक्षा दो, ये भी तरीका है। जब ऐसा रिगार्ड देने का संस्कार बन जाएगा तो आप सारे विश्व की आत्माओं को क्या देंगे? रिगार्ड देंगे। संस्कार होगा तो रिगार्ड देंगे ना। यदि आपका संस्कार ही नहीं बना तो आप रिगार्ड नहीं दे सकेंगे, और देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। हाँ, देना ही लेना है, देंगे तो मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक बन, बालक सो मालिक बन, और बुद्धि बुद्धि बेहद, बुद्धि कैसी हो? बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। तिलक लगाना मतलब मैं आत्मा हूं, अर्थात
आत्मा की स्मृति है तो सदा सुहागिन, सदा सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि आत्म स्मृति तब है जब परमात्म स्मृति भी, क्योंकि आत्मा का पाठ सिवाय परमात्मा के कोई पढ़ा नहीं सकता। आत्म स्मृति है तो परमात्म स्मृति भी है। और बाप याद है, साजन याद है, तो हमारे से सौभाग्यशाली और कौन होगा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।